हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम हैं इंडिया में और अब हम जा रहे हैं पहाड़ों में, हरिद्वार की तरफ। मेरे साथ है मेरी वाइफ रूमन, मेरी मम्मी। मम्मी हाय करो। हेलो, ये पहली वीडियो है, मम्मी मेरे साथ है। मम्मी का मन था बड़े टाइम से हरिद्वार जाना। हमने कहा चलो चलते हैं। तो हम इस बार जा रहे हैं हरिद्वार, फिर ऋषिकेश, फिर आगे भी बनाएंगे प्रोग्राम और आगे जाएंगे थोड़ा। तो चलो आपको थोड़ा सा दिखाते हैं और वीडियो में आगे लेके चलते हैं। अभी सुबह के बज रहे हैं 5:30। हम घर से निकले हैं और चलेंगे बस आगे, और बाकी रास्ते में जो भी होगा आपको दिखाएंगे। सो जस्ट बी विद अस। गाइस, अभी हम रास्ते में रुके हैं ओल्ड राव होटल में। आपने नाम बड़ा सुना होगा इसका। यहाँ काफ़ी डांस वांस चल रहा है थोड़ा सा। सुबह के इस टाइम बजे हैं 8 और काफ़ी साफ सड़कें हैं, बड़ा अच्छा हाईवे बन गया है। तो काफ़ी जल्दी जल्दी स्मूथली हम पहुँच रहे हैं। अभी हम थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर हम चलेंगे आगे। तो आपको मैं अभी दिखाता हूँ कि हम क्या खाएँगे। सो वीडियो में बने रहना। गाइस, खाना खा लिया है, अब हम जा रहे हैं आगे हरिद्वार की तरफ। फिर वहाँ पहुँच के आपको बाकी सारी चीज़ें दिखाएंगे। तो बने रहो इस वीडियो में मेरे साथ। सो गाइस, हम पहुँच चुके हैं हरिद्वार फाइनली। अभी हमने एक होटल लिया है थोड़ा सा फ्रेशन अप होने के लिए। अपना फ्रेशन अप होंगे, फिर उसके बाद हम जाएंगे हरिद्वार मेन, गंगा जी के दर्शन करने और कुछ स्नान करेंगे घर वाले। तो चलो फिर साथ चलते हैं आपको लेके। गाइस, अब हमने होटल से निकल गए हैं, अब हम जा रहे हैं हर की पौड़ी। ये ई रिक्शा पे हमारे भैया हैं, ये हेलो बोल दो मेरे यूट्यूब वालों को। अब हम जा रहे हैं यहाँ से हर की पौड़ी, वहाँ पर हम पहुँच के फिर करेंगे स्नान। हमने गाड़ी होटल पर छोड़ दी है क्योंकि ट्रैफिक का हाल थोड़ा सा ख़राब ही होता है। आप देख सकते हो कि मार्केट आई मची रहती है यहाँ पर, तो इस चक्कर में अभी हमने रिक्शा पकड़ा। तो हम अब जाएंगे गंगा जी के पास स्नान करने, फिर मैं आपको वहाँ का दिखाऊंगा। ये हैं भीम जी, इनका भीम गोडा, इनके ऊपर ही भीम गोडा नाम रखा गया क्योंकि ये गोडा टेक के यहाँ बैठे हैं। तो अभी हम यहाँ से जाएंगे हर की पौड़ी और फिर मैं आपको आगे दिखाऊँगा। गाइस, फाइनली हर की पौड़ी हम पहुंच चुके हैं। भीड़ बहुत है क्योंकि सीज़न चल रहा है, और आप देख सकते हो गंदे बंदा चढ़ा हुआ है। ज़्यादा बहाव भी नहीं है, शायद पानी रोका हुआ इसलिए। बट चलो नीचे चलते हैं और मैं आपको दिखा रहा
का हमारा लग चुका है तिलक और हम तैयार हैं अंदर जाने को। माता जी आगे चलने को हम तैयार हैं। तो ये थी अर्की पौड़ी, काफ़ी मज़ा आया यहाँ। मैंने स्नान नहीं किया, कुछ लोगों ने किया घर के, कुछ ने नहीं किया। बाकी अब हम आगे चलेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, फिर हम चलेंगे ऋषिकेश की तरफ, क्योंकि हमारा जो रात का स्टे है वो ऋषिकेश में। हरिद्वार मेन हर की पौड़ी के पास बाजार, आप देखो मजे लो। और ये हमारी बचपन का खिलौना जिससे हम लोग खेला करते थे, बोट। पंडित जी पूरी वाले पे, जो कि हरिद्वार के बहुत ही मशहूर हैं। अब हम यहाँ पूड़ियाँ पाड़ियाँ खाएंगे और फिर चलेंगे आगे। काफ़ी बड़ी दुकान है इसकी। ये हमारा खाना आ चुका है, आलू की सब्जी, साथ में ये भी आलू की सब्जी है। ये हमारी पूड़ियाँ हैं, ये सीताफल है हमारा, साथ में लस्सी, अचार, एकदम बढ़िया शानदार लाइफ। और अभी हम हैं कुशा घाट पर, यहाँ पर छोटी सी गौशाला बनी हुई है, आप गौ सेवा कर सकते हो। और यहाँ पर पितरों का तर्पण होता है, लोग लगे हुए हैं आप देख सकते हो पीछे पूजा करने में। तो गाइज़ अभी हम हैं कुशा घाट पर, ये बहुत ही पुरानी बेसिकली घाट है, बिल्डिंग बहुत ज़्यादा पुरानी है। आपको सामने पीपल का पेड़ दिख रहा होगा, और ये पेड़ ये कई सौ हज़ार साल पुराने हैं। और यहाँ 24 घंटे पितरों का पूजा चलती रहती है, तो काफ़ी लोग यहाँ आते हैं, आप देख सकते हो काफ़ी लोग पूजा भी कर रहे हैं यहाँ। पंडित जी हैं कुछ, इसके बारे में बताएंगे हमें कि कितना पुराना है ये, क्या थोड़ा बताओ कुशा घाट के बारे में। ये कुशा घाट का क्या इतिहास रहा है? कई हजारों साल पुराना ये था कुशा घाट, हजारों साल पुराना। ये तो हमारे पूर्वज उस समय जब अपन ने कई पीढ़ियाँ चली गई है, उसमें भी ये चलता आ रहा है। अच्छा, गंगा तो आज से हजारों कई वर्षों तक ये चालू है और पानी चालू ही रहेगा ये तो। अच्छा, हाँ, ये भारत की पवित्र नदी है, सबसे बड़ी नदी यही है। और जो राजा भागीरथ है उसने यह मतलब ये नदी लाई थी, राजा सागर के 60,000 पुत्र जो अधोगति में चले गए थे, उनके कारण उसको मतलब हिमालय से तपो करके इन्होंने लाई थी ये बनी। तो आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पर? मैं लगभग यहाँ पर आना मेरा 40 साल से आना जाना। अच्छा, आप आते जाते रहते हो? हाँ, 40 साल से मैं मतलब राजस्थान से हूँ। अच्छा, राजस्थान सासों से हूँ, चालों से। हाँ जी, तो मैं यहाँ दक्षिण के लिए आता रहता हूँ। ओम गरुड़ ब्रह्मा गरुड़ विष्णु गरुड़ महेश साक्षात पारिगम गंगे सही उम्र सब गोदावरी नर्मदा कावेरी सत्यदेह गंगा सर्वपापम शांतिनाथ कल्याण वस्तु हो हर हर गंगे जय महादेव। तो ये था कुछ कुशा घाट का थोड़ा सा इतिहास, हजारों साल पुराना है ये, आप लोग सुनते ही आ रहे होंगे।
काफ़ी पुरानी हमारी संस्कृति है जो कि जानने में बड़ा अच्छा लगता है। आज के मॉडर्न ज़माने में जहाँ सब भाग रहे हैं US, कनाडा, मैं भी ओके आया हूँ, लेकिन अपने ग्राउंड को, अपने घर को पहचानना बहुत ज़रूरी है कि कितना पुराना होता है। तो अब हम चलेंगे यहाँ से आगे, फिर मैं आपको दिखाता हूँ साथ के साथ वीडियो में आगे क्या होता है, तो आप हमारे साथ बने रहिए। रेस्टोरेंट के जो कि बहुत पुराना रेस्टोरेंट है हरिद्वार में। तो गाइस अभी हम हरिद्वार में अपने होटल में आ चुके हैं। इस होटल का नाम है AK रेजिडेंसी। काफ़ी अच्छा होटल है ये, हमने ज़्यादा टाइम तो यहीं बिताया बट बड़ा अच्छी फैसिलिटीज़ है, यहाँ का स्टाफ है जो कि बहुत अच्छा है। तो अगर आप कभी हरिद्वार आते हो तो ज़रूर यहाँ रुकना, थम्स अप है इस होटल को। तो अब हम यहाँ से चलेंगे ऋषिकेश की तरफ, तो आगे का मैं आपको दिखाऊँगा। सो जस्ट बी विद मी। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं नीलकंठ। नीलकंठ का रास्ता काफ़ी बढ़िया था, एकदम टेढ़ा मेढ़े पहाड़ों टाइप। आप ऋषिकेश तक आते हो तो इतना फील नहीं होता आपको कि हाँ लिटरली आप पहाड़ों पे हो, क्योंकि बहुत इजी बना दिया। बट नीलकंठ में बहुत ज़्यादा तोड़ मोड़ थे, छोटी सड़क थी, तो मज़ा आया गाड़ी चलाने का भी और रास्ता भी काफ़ी अच्छा था। यहाँ पर रहने के ज़्यादा ऑप्शंस है नहीं एज सच लग्जरी में, अगर आप बात करो तो ठीक ठाक अगर आप कहो छोटा मोटे होटल्स हैं, लेकिन सबसे बढ़िया होटल एक यही है, रेड फॉक्स। अच्छा है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है, 2,000-2,500 में आपको बढ़िया रूम मिल जाएगा यहाँ पर, आप यहाँ आ सकते हो। यहाँ से अब हम फट बस थोड़ा स्नान करेंगे अपना जिसने करना है, उसके बाद हम जाएंगे वहाँ सीधा। आप देख सकते हो ये मेरे रूम की बालकनी है, बेसिकली वो सामने आप देख सकते हो अगर, तो वो है महादेव, नीलकंठ महादेव जी का मंदिर। वहाँ हमने जाना है क्योंकि आरती होनी है, तो हमने वहाँ जाना है और जाके मत्था टेकेंगे, थोड़ी ब्लेसिंग्स लेंगे। बाकी आप देखो ये एग्जैक्टली व्यू है, सामने पहाड़ है और कुछ घर है, तो काफ़ी अच्छा, काफ़ी क्वाइट है, काफ़ी पीसफुल है, ज़्यादा भीड़ भी नहीं है यहाँ पर ऋषिकेश और हरिद्वार के मुकाबले। हरिद्वार काफ़ी भीड़ थी, अभी हम कल हम रुके नहीं थे क्योंकि हम हरिद्वार से सीधा यहाँ आ गए थे, ये दूर था, लेट हो गए थे। अब हम जाएंगे यहाँ से ऋषिकेश अगले दिन रात को रुक के, रात को यहाँ स्टे करेंगे, कल सुबह हम निकलेंगे फिर ऋषिकेश के लिए, तो फिर वो मैं आपको दिखाऊंगा आगे। तो अभी चलो आपको मैं लेके चलता हूँ नीलकंठ महादेव के पास, आपको दर्शन करवाने। हर हर महादेव। गाइस फाइनली आरती करने के बाद अब हम आए कुछ खाने के लिए, पास में एक छोटा सी ढाबा टाइप है जहाँ पर हम थोड़ा सा खाने के लिए आए खाना, इसके बाद रेस्ट करेंगे क्योंकि कल फिर आगे जाना है। तो काफ़ी अच्छा दिन गया और खाना काफ़ी अच्छा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है
देख सकते हो रायता, यह पनीर और दाल भी है, तो काफ़ी अच्छा है, लाइट भोजन है। काफ़ी अच्छी आरती रही, आपने वीडियो में देखा होगा, काफ़ी लिमिटेड लोग थे बट काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी थी, काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स थी, बहुत ज़्यादा बढ़िया रहा। तो अभी हम बस खाना खा के चलेंगे, रेस्ट करेंगे, इसके बाद फिर सुबह जो भी प्लान होगा आपको आगे दिखाएंगे। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड ऑन द चैनल, थैंक यू।